हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ दो पॉपुलर ईयरफोन का कंपैरिजन लेके। मैं आपको बता दूं, जो पहला ईयरफोन है वो है स्कल कैंडी स्मोकिंग बस 2। आप देख रहे होंगे मेरे नेक पे जो है हैंग है, आप देख रहे होंगे ये स्कल कैंडी स्मोकिंग बस 2 है, ट्रांसपेरेंट वाला वर्जन है। और जो दूसरा ईयरफोन है वो है सेनाइजर CX275s, जो आप देख रहे होंगे, जो काफी कॉम्पैक्ट है, काफी छोटा है, काफी लाइट वेट है। तो देखते हैं इन दोनों ईयरफोन में क्या सिमिलैरिटी है, क्या चीजें अच्छी हैं और हमें कौन सा ईयरफोन दोनों में से पिक करना चाहिए, क्योंकि प्राइस के हिसाब से दोनों लगभग, मैं आपको बता दूं, 1000 से 1500 रुपीस के आसपास रहते हैं। सेनाइजर थोड़ा कॉस्टली रहता है कंपेयर टू स्कलकैंडी स्मोकिंग बस 2, लेकिन वही 2-3-400 का अंतर रहता है। फिर भी 1500 के ईयरफोन के रिगार्डिंग 2-300 भी थोड़ा कॉस्टली हुआ, लेकिन फिर भी देखते हैं दोनों में से कौन सा बेटर है। मैं हूं प्रियांशु सिंह और हमारे चैनल हिंदुस्तानी 360 में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि सेनहाइजर CX275s से स्कलकैंडी स्मोकिंग बस 2 बेटर है, क्योंकि स्कलकैंडी जो है अच्छा ब्रांड है कंपेयर टू सेनहाइजर। तो पहले मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्कलकैंडी जो है बहुत बेटर है, सेनहाइजर बहुत बेटर है। दोनों अच्छे ब्रांड है, दोनों पैरेलल ब्रांड मैं मानता हूँ। सेनहाइजर भी काफी कॉस्टली ईयरफोन बनाता है और जो स्कलकैंडी ये भी कॉस्टली ईयरफोन्स बनाते हैं। दोनों ही एक स्टेबल ब्रांड है, कोई मैं इसमें नहीं करूंगा कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो सबसे पहले हम आते हैं नेक टू नेक कंपैरिजन पे। तो मैं आपको बता दूं, जो ड्राइवर साइज है वो सेनहाइजर CX275s की वो रिवील नहीं की गई है। अगर मैं बात करता हूँ स्मोकिंग बस 2 की, तो यहाँ पे आपको 9mm का डायनेमिक ड्राइवर मिलता है और सेनहाइजर में भी आपको डायनेमिक ड्राइवर ही देखने को मिलता है। तो जो ड्राइवर का जो साइज है वो तो रिवील नहीं किया, लेकिन जो बेस थंप है वो काफी अच्छे आते हैं सेनहाइजर में कंपेयर टू स्मोकिंग बस 2। लेकिन स्मोकिंग बस 2 का ऐसा नहीं है कि इसमें वो बेस थंप अच्छे नहीं मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें सेनहाइजर से तो थोड़ा सा वीक रहता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेगा लेकिन आपको वीक मिलता है। बेस बात करूं तो आपको तो वीक मिलता है स्मोकिंग बस 2 में कंपेयर टू सेनहाइजर, लेकिन थंप की बात करूं तो आप वहां पे आपको लगभग पैरेलल ही देखने को मिलता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है थंप में। अगर मैं बात करता हूँ साउंड प्रेशर लेवल की, तो देखिए साउंड प्रेशर लेवल जो है 121 डेसिबल है, जो सेनहाइजर CX275s का बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं बात करता हूँ स्मोकिंग बस 2 की, तो यहाँ पे आपको मिलता है 106 डेसिबल, जो कि आपको कम मिलता है। तो अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि अगर आप 80% वॉल्यूम पे अगर आप स्मोकिंग बस 2 सुन रहे हैं और अगर 70% वॉल्यूम पे आप जो सेनहाइजर में सुन रहे हैं, तो इक्वली आपको साउंड मिलेगा, मतलब थोड़ा सा लाउडर है सेनहाइजर, ऐसे कह सकते हैं। तो थोड़ा सा लाउडर है, तो आप ज्यादा वॉल्यूम ना इंक्रीज करें जब आप सेनहाइजर यूज कर रहे हैं, आपको ईयर पे इफेक्ट आ सकता है। तो ज्यादा वॉल्यूम लाउड ना करें, 70-75% इनफ है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं उसी वॉल्यूम पे सुनता हूँ, या तो कि मैं 65% वॉल्यूम पे सुनता हूँ, काफी मजा आता है मुझे। जी हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो मैं आपको बता दूं सेनहाइजर की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्ड है 17 Hz to 23,000 Hz, जो काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। जी हाँ, जब आप इसे सुनते हैं तो आपको लगता है कि जी हाँ, इस फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क करता है और ऑप्टिमाइजेशन एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, अगर मैं स्मोकिंग बस 2 की बात करूं तो आपको ये नॉर्मल मिलता है, कहीं कहीं भी आपको देखने को मिलता है 18 Hz to 20,000 Hz, कहीं कहीं देखने को मिलता है 20 Hz to 20,000 Hz। तो मैं आपको बता दूं ये 18 और 20 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसा कि अगर मैं बता दूं सेनहाइजर में 17 हर्ट्ज है, वो 20 भी होता तो आपको ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता, 2-3 का डिफरेंस उतना इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जो बेस की रिस्पॉन्स है, जितनी वो कम होगी स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी, वो थोड़ी सी लो हो जाती है, और जो एंड फ्रीक्वेंसी है वो जितनी वाइड होती है उतनी सॉन्ग की डिटेल्स ज्यादा आती है। तो देखिए डिटेल्स के मामले में बात करूं तो देखिए डिटेल्स दोनों में बराबर ही आती है, क्योंकि यहाँ पे जो डिटेल्स थोड़ी सी कट हो जाती है सेनहाइजर में, क्योंकि बेस थोड़ा सा हैवी दे दिया गया है, रिच दे दिया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिटेल्स मिसिंग होती है, बेस ज्यादा हो जाता है, बूम बूम करता है आपके ईयर में। तो जैसा मैंने आपको सोनी में बताया था, सोनी X55 में वहां देखने को मिलता है, लेकिन जो सेम यहाँ पे स्कलकैंडी स्मोकिंग बस 2 में है, यहाँ पे भी आपको वही देखने को मिलता है। बेस यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 20,000 Hz ही है जो वाइड की, तो आपको यहाँ पे भी सिरिल साउंड देखने को मिलता है, अच्छा मिलता है, वॉकल्स क्लियर आते हैं। और मैं बात अगर बताऊं वॉकल्स, तो मैं बताता हूँ 4-5% क्लियर आते हैं कंपेयर टू सेनहाइजर, क्योंकि यहाँ पे बेस थोड़ी स्लो मिलती है। तो जो मैं आपको बता दूं वॉकल्स की क्लैरिटी है वो थोड़ा ज्यादा आपको सुनने में आता है। अगर इम्पीडेंस की बात करूं तो इम्पीडेंस देखिए जो सेनहाइजर की वो 16 ओम पे है, और अगर मैं बात करता हूँ स्कलकैंडी स्मोकिंग बस 2 की, तो यहाँ को 32 ओम मिलता है, काफी अच्छे से वेल ऑप्टिमाइज। आपको लगता नहीं 32 ओम वाले ईयरफोन में आप सुन रहे हैं, 16 ओम वाले ईयरफोन में सुन रहे हैं, दोनों ईयरफोन लाएंगे, दोनों में आपको मजा आएगा, काफी
जो है सुटेबल साउंड आपको देखने को मिलता है। अब बात आती है दोनों में बेटर कौन है। जैसे मैंने आपको बताया आपको आइडिया एक लग ही गया होगा कि कौन सा बेटर है, लेकिन मैं आपको बता दूं बेस सेनाइजर को जाता है, सेनाइजर की बेस रिस्पांस काफी अच्छी है। मिड्स की मैं बात करूं तो दोनों ही बैलेंस है, थोड़ी सी लीड लेता है, एक्स्ट्रा लीड लेता है जो है मैं आपको बता दूं सेनाइजर। अगर मैं बात करता हूं श्रिल साउंड की ट्रेवल की तो यहां आपको बहुत ही रेयर डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो भी मैं अगर बात करूं तो थोड़ा सा 2-3% से लीड करता है स्कलकैंडी, क्योंकि बेस थोड़ा सा लो होने की वजह से वॉकल्स और शार्पनेस थोड़े से ज्यादा आते हैं कंपेयर टू सेनाइजर। देखिए जो मैं आपको बता दूं ये डीप बेस वेरिएंट है जो सेनाइजर का है, लेकिन जो यहाँ पे मतलब स्कलकैंडी स्मोकिंग वस्तु यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मेंशन है कि डीप बेस वेरिएंट है या नहीं है। तो देखिए कुल मिला के बात ये है कि सेनाइजर ऊपर है कंपेयर टू स्कलकैंडी स्मोकिंग वस्तु 2। तो मेरा ये मानना है, मैंने सुन के लिसन करके सारे डीजे वगैरह भोजपुरी सॉन्ग इंग्लिश सॉन्ग सारे सुने हैं, फिर मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस ईयरफोन गले में टांगता हूँ और आपको मतलब भाषण देना शुरू कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। इसीलिए मुझे टाइम लगते हैं 2-3 दिन 1-2 दिन लग जाते हैं उसे सुनने में जांचने में कि वाकई क्या डिफरेंसेस दोनों ईयरफोन्स में आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत